हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शन सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 12th के लिए। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो फिनॉल होता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इट्स एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि अपन ने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी देख रखी है, जहां पे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, यानी ईज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ठीक है, अपने को ये जो पता होना चाहिए चीजें कि बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इट इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे आएगा फिनॉल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है नाइट्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में अपन फिनॉल के डायल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसके ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, नाउ दीज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, दीज टू कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों? ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टीम डिस्टिलेशन से अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये आ जाता है क्वेश्चन, एंड रेदर ये जेई मेन या फिर नीट के अंदर भी आ जाता है, जहां पे ये पूछा जा सकता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को आप अलग कैसे करोगे। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब ऐसा क्यों होता है, एक स्टीम वॉलेटाइल है और एक नहीं, क्यों? क्योंकि अगर अपन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी OH और NO2 विदिन अ मॉलिक्यूल आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर जो ये नाइट्रो ग्रुप है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, यानी दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को यूज करके अपन इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, रिएक्शन जो फिनॉल की है अगर अपन कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराएंगे तो जो फिनॉल के अंदर तीनों पोजीशन है, ऑर्थो की 2 और पैरा की 1, वहां तीनों जगह आकर के नाइट्रो ग्रुप लग जाता है और इसको अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इट्स हाईली एसिडिक, बहुत एसिडिक है, यहां तक कि कुछ जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनसे भी एसिडिक है ये पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो आपको पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि जब अपन कंसेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा, और अगर अपन डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पे आएगा। ओके, आगे करते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन में यहाँ पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप सॉल्वेंट कैसा लोगे उस पर डिपेंड करता है कि ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा। अगर आप लेस पोलर मीडियम लेते हो तो मोनोब्रोमिनेशन होगा, और अगर पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो वहां पे तीनों जगह ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लो पोलैरिटी मीडियम सॉल्वेंट कहाँ, जैसे हो गए अपने एग्जाम्पल CH2 और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मोनोब्रोमिनेशन होगा ऑर्थो या फिर पैरा पे। ठीक है, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसके अंदर वो पैरा होगा। ऑलराइट, और ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे अपन ने हेलोजिनेशन करते टाइम अपन ने कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं करा है, कोई भी लुइस एसिड वाला कैटलिस्ट यूज नहीं करा है, जैसे FeBr3 या AlCl3 वो यूज नहीं करा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये फिनॉल है इसके अंदर जो ये ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर बेंजीन रिंग को इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि ये Br2 को पोलराइज कर देता है, हमें कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, AlCl3 या FeBr3 या Fe इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये फिनॉल खुद ही ब्रोमीन को पोलराइज कर देता है टू अटैक ऑन बेंजीन रिंग इसकी जो है। ठीक है, तो ये चीज भी नोट्स में लिखी हुई है, ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप हमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करी जाती है हाईली पोलर मीडियम के अंदर तो क्या होता है, इसकी तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है और हमें मिलता है 2.4.6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी, नाइट्रेशन के अंदर भी क्या था,
डाइल्यूट जब अपन यूज कर रहे थे तो मोनोनाइट्रेशन हो रहा था, और कंसेंट्रेटेड यूज कर रहे थे तो तीनों जगह पे हो रहा था। ब्रोमीन के अंदर अगर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लेते हैं जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म, राइट, तो मोनोब्रोमिनेशन हो रहा है। अगर ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं तो तीनों जगह यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा है। अब कुछ नेम रिएक्शंस है जैसे कि कोलबेज रिएक्शन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन, ठीक है, स्पेशली अगर आप तुम जेई या नीट लिख रहे हो तो जेई मेन और नीट के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फिनॉल से अपन सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे, ठीक है, फिनॉल के रिएक्शन अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट फिनॉल की नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी मुझे जो फिनॉल है उसके अंदर जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर एक्टिवेटिंग इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज करना है। तो अपन क्या करते हैं, फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्शन विद NaOH, ठीक है। तो जैसे ही इसकी NaOH के साथ रिएक्शन हुई फिनॉल की, अपने को फिनॉक्साइड आयन मिला। अब इस फिनॉक्साइड की जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है जिस पे ये बेंजीन रिंग अटैक करता है, ठीक है, और यहां पे अपने को COH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। दिस इज सैलिसिलिक एसिड, और बच्चों ध्यान होगा तुमको सैलिसिलिक एसिड का यूज होता है एस्प्रिन फॉर्मेशन में, दैट इटसेल्फ इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोलबे रिएक्शन नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है, पहले NaOH के साथ रिएक्शन, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल जिसके साथ अपने को रिएक्शन करानी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग को और भी ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए अपन इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर H+ करा देंगे तो यहाँ पे अपने को सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है नोट्स में बच्चों तुम्हारे लिए। फिर नेक्स्ट इज रीमर टीमन रिएक्शन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ठीक है, अगर जेई और नीट को देखें तो वहां पे इसका मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बट अभी बोर्ड्स के हिसाब से आपको सिर्फ ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि भाई इसमें बनता क्या है। तो अगेन सेम चीज, फिनॉल की रिएक्शन जो है अपन क्लोरोफॉर्म के साथ जब कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है, जब ये चीज कराई जाती है तो अपने को एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्यों, क्योंकि यहां पे इस कार्बन पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन तो अपने को सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड OH, और उसके ऑर्थो पोजीशन पे एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट बना है उसका जब अपन ने NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस कराया है तो ये जो दो क्लोरीन है वहां अट करके दो OH आ जाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के CHO आ जाता है। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि CHO आ जाता है कब, जब अपन फिनॉल के रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि जब ये रिएक्शन होती है तो कार्बीन इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है, बट बोर्ड में वो पूछा नहीं जाता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे करते हैं अपन रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ये 11th क्लास की रिएक्शन है जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन का प्रिपरेशन मेथड आता है, तो वहां अपन देखते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ कराई जाती है तो OH ग्रुप यहां से रिमूव हो जाता है, राइट, और हमें मिल जाता है बेंजीन। OH ग्रुप हट गया, ZnO बन गया और बेंजीन विल बी फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में या फिर Na2CrO7 की प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में जो फिनॉल है वो क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है टू बेंजोक्विनोन, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना है कैसा स्ट्रक्चर है इसका, देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो अपन ने पहले फिनॉल लिया, ठीक है, अब फिनॉल के अंदर आपको ध्यान रखना है, देखो अपन बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं यहां पे, ये अपन ने बॉन्ड्स बना रखे हैं ऐसे, ठीक है, जब अपन इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, राइट, जब अपन इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लुक एट द पोजीशन ऑफ द बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स ऐसे आ गए और ये डाई कीटो ग्रुप दोनों साइड,
ऑपोजिट साइड यहाँ पे डाई कीटो ग्रुप आ गया, ठीक है. सो दिस इज बेंजोक्विनोन जिसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है. तो ये एयर की प्रेजेंस में भी हो सकता है, पड़ा रहे तो ऐसे मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, डार्क कलर्ड होता है इनका, ठीक है. अब नेक्स्ट जो इसमें आगे चीज है, एल्कोहल्स और फिनॉल्स के अंदर जो बचती है, दैट इज कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, ठीक है. ये अभी सीबीएसई के सिलेबस से हट गया है, ठीक है. फिर भी यू कैन गो थ्रू नोट्स कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इनके स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड्स और इनके यूजेजेस, ठीक है. दैट हैज बीन रिमूव्ड, बट यू हैव टू, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू. इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं, ये रिएक्शन है, कमर्शियली कैसे बनता है वो रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है और इसके यूजेजेस दिए हुए हैं. ऐसे ही इथेनॉल जो है उसको किस तरीके से फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है. जो यहाँ पे शुगर होता है दैट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी आता है. एंजाइम्स अपने को ध्यान रखने होते हैं, पहले इन्वर्टेज यूज होता है और फिर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो जाइमेस के प्रेजेंस में इथेनॉल देता है. ये जो कोई भी रिएक्शन है ये एनारोबिक कंडीशंस के अंदर होती है. अगेन ये अपन डिस्कस कर रहे हैं, बट सीबीएसई में से हट गया है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हट गया है. स्टिल आई हैव गिवन इन योर नोट्स एंड आई विल मेंशन ओवर दैट कि ये हट गया है, आपको ध्यान नहीं देना है इतना ज्यादा, बस एक बार पढ़ लो, ठीक है, अपने नॉलेज के हिसाब से. ओके तो ये दोनों चीजें हैं जो नोट्स में दी हुई है, बट देन दे आर नॉट, ठीक है बच्चों. तो अपन ने फिनॉल्स की सारी रिएक्शन डिस्कस कर ली है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ईथर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो लाइक दिस वीडियो, ओके, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना. बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट.